इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति से निकल करके सामने आ रही है। भाजपा बिहार में लगातार ऑपरेशन लोटस चला रही है। ऑपरेशन लोटस में महागठबंधन के विधायक फंसते जा रहे हैं। महागठबंधन के लगभग अब तक 7 विधायक पाला बदल चुके हैं। एक और बड़ी खबर सामने आई है, राजद के एक और विधायक भभुआ से भरत बिंद ने राजद का दामन छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए हैं। आज देखिए बजट सत्र का आखिरी दिन था, आखिरी दिन भी राजद के साथ खेला हो गया। भरत बिंद जो राजद के भभुआ से विधायक हैं, उन्होंने आज राजद का दामन छोड़ करके भाजपा का दामन थाम लिया है। आज जब बिहार विधानसभा सत्र शुरू हो रहा था, उसी समय सम्राट चौधरी के गाड़ी में बैठ करके भरत बिंद साथ गए हैं और उसके बाद से लगातार बिहार की राजनीति में हलचल शुरू हो गई है। उसके बाद जेडीयू और भाजपा के तमाम विधायकों ने भरत बिंद का सत्ता पक्ष में स्वागत किया है। देखिए लगातार झटका पर झटका महागठबंधन को लगते जा रहा है। बीते दिनों आपने देखा होगा फ्लोर टेस्ट के दिन किस तरीके से राजद के 3 विधायक पाला बदल करके भाजपा सत्ता पक्ष में चले गए थे। सबसे पहला नाम देखिए चेतन आनंद, उसके बाद देखिए प्रहलाद यादव, उसके बाद नीलम देवी। ये तो पहला झटका लगा राजद को। दूसरा झटका महागठबंधन को 2-3 दिन पहले लगा था, मुरारी गौतम, सिद्धार्थ सौरभ और एक जो राजद के विधायिका है संगीता देवी, उन्होंने पाला बदल लिया था। अब और एक विधायक राजद के यानी महागठबंधन के एक और विधायक भभुआ से भरत बिंद ने पाला बदल लिया है और वो सत्ता पक्ष यानी भाजपा के खेमे में चले गए हैं। लगातार बिहार में भाजपा ऑपरेशन लोटस चला रही है। इसी बीच देखिए राजद के जो विधायक हैं वो पाला बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बिहार में एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो उस पर कोई ध्यान देता हुआ नजर नहीं आ रहा, जबकि सभी को पता है अगर पाला बदल कर जाते हैं दो तिहाई विधायक जब तक नहीं टूटेगा तब तक अलग पार्टी की मान्यता नहीं दी जाएगी। ऐसे में एंटी डिफेक्शन लॉ लगातार कमजोर बताया जा रहा है बिहार में। ऐसे में देखिए बीते दिनों से लगातार जो खेला होगा चर्चा बिहार में चल रहा था, वो खेला अभी भी जारी है। अगर शुरू में बात करें, जब सरकार गिरी थी, सरकार गिरने के बाद बिहार में सीएम नीतीश कुमार पाला बदल कर चले गए थे एनडीए खेमे में, और उसके बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था खेला अभी होना बाकी है, खेल होगा। उसके बाद से तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के साथ ही लगातार खेला होता हुआ नजर आ रहा है। सम्राट चौधरी ने बीते दिनों कहा था तेजस्वी यादव बच्चा है, उनको खिलौना दे दिया जाएगा, वो खेलते रहेंगे। तो देखिए तेजस्वी यादव के साथ ही लगातार खेला होता हुआ नजर सामने आ रहा है। जिस तरीके से उनके लगातार विधायक छोड़ करके पार्टी जा रहे हैं, उनका कुनबा जो है वो कमजोर होता जा रहा है। हालांकि राजद ने अभी तक कार्रवाई करने को लेकर के अपने विधायकों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं किया है। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव से अगर कार्रवाई करने को लेकर के लिखित शिकायत दर्ज करते हैं तो उनकी विधायक का जो सदस्यता है वो रद्द होना तय माना जा रहा है, क्योंकि जो दल बदल विरोधी कानून जो है इसके सख्त खिलाफ है कि जब तक दो तिहाई विधायक जब तक पार्टी छोड़ करके नहीं आते हैं तब तक देखिए कोई अलग पार्टी की मान्यता या फिर उस दल में किसी को शामिल नहीं कराया जा सकता है। ऐसे में बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आई। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, आज आखिरी दिन है, आखिरी दिन भी राजद के साथ बड़ा खेला हो गया और बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया है। आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि बड़ा खेला होने की आशंका है, बड़ा खेला होने की संभावना है। देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना है। बहुत बहुत शुक्रिया।